नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं राहुल गुजराल आपके साथ। जिंदगी में जब लक्ष्य बड़ा होता है तो सीख बड़ी मिलती है और प्लान्स बड़े होते हैं, और जब लक्ष्य बड़ा होता है तो जब मेहनत किया जाता है दिल से, लगन से, तो असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है। तो आज इसी उदाहरण के लिए हम तेजस यादव को हमारे यहाँ पे स्वागत करते हैं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन तेजस यादव। थैंक यू सर फॉर क्रैकिंग जे एडवांस 2022। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो ये जो जर्नी रही है सक्सेस की तेजस यादव की सांदी पानी के साथ, वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और इन्होंने जो सक्सेस पाया जे एडवांस क्रैक करके और जे मेंस क्रैक करके, तो वो किस प्रकार से अपना गोल को प्राप्त किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप जिस प्रकार से जे एडवांस यहाँ पे क्रैक किए, तो आप क्या फील कर रहे हो? अभी तो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे फैमिली के लिए, सब बहुत खुश है ये अचीवमेंट देख के। मेरे 2 साल की मेहनत लास्ट में अकॉम्प्लिश हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लाइफ इज गुड। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी है जे एडवांस क्रैक करके। तो ये सभी मेहनत सांदी पानी की और उनकी मेहनत है, जुड़कर यहाँ पे इन्होंने एडमिशन लिया था और फिर इन्होंने मेहनत से टीचर्स और उनकी मेहनत से जेई एडवांस क्रैक किया गया। तो आप सांदी पानी से कैसे जुड़े? तो मैंने मेरे दोस्त के साथ कॉन्टैक्ट किया था कि एमएन नगर में बेस्ट एकेडमी कौन सी है जेई के लिए। तो उसने मुझे 2-3 एकेडमी रिकमेंड की, उसमें से फर्स्ट थी सांदी पानी। जैसे उसने मुझे रिकमेंड करी, मैं 2-3 दिन डेमो लेक्चर के लिए आया। मुझे यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे लगे, सबके सब IITians NITians थे, उनका टीचिंग करने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मैंने सोच लिया IIT क्रैक करेंगे तो यहाँ से ही करेंगे, बस ले लिया एडमिशन। गुड, क्या राज है आपके सफलता का? टाइम कैसे आप मैनेज किए थे? और जो बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में कम टाइम देते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा टाइम देते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो IITians हैं वो चाहते हैं आपसे कि पूछें, तो आप बताएंगे कि किस प्रकार से टाइम मैनेज किया था अपना, किस प्रकार से अपना पढ़ाई किए थे आप? तो सर ये क्या है ना, बहुत लंबी जर्नी है 2 साल की, इसमें बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं, पर एक मेन की है जो तुम्हें जेई क्लियर कराएगी, वो है कंसिस्टेंसी। अगर तुम हर रोज लगन से 5-8 आवर्स पढ़ाई करते हो, पर अगर एकदम शिद्दत से करते हो, तुम्हारा जेई क्लियर हो जाएगा। इसे मैं कहता हूँ, अगर तुम केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स लेते हो, तो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है NCERT, फिजिक्स में फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट, और मैथ्स में बस क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर तुम ये अच्छे से करते हो, तुम्हारा जेई कहीं नहीं गया, तुम आराम से क्रैक कर लोगे। इस पूरे जर्नी में सांदी पानी का सपोर्ट कैसा रहा है आपको? सांदी पानी का तो बहुत अच्छा जर्नी रहा है मेरा। मेरे टीचर्स राहुल सर, बालराज सर, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे मेंटर सेशन लेते थे, मुझे क्या दिक्कतें आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनको कैसे टैकल करें। मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि मैं कोई क्वेश्चन करते टाइम अटक गया हूँ, तो सर ने मुझे बहुत बार उसे बाहर निकाला है। ये ऐसे मुझे बहुत सारे मेथड्स दिए जिससे मैं वो क्वेश्चन को आगे टैकल कर सकूँ। तो या थैंक्स टू सर। एकेडमी के सपोर्ट के साथ साथ पेरेंट्स की बहुत आवश्यकता होती है, पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट बहुत आवश्यकता होता है इस पूरे जर्नी में, तो पेरेंट्स आपके कैसे हेल्प किए हैं? पेरेंट्स मेरे बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा पूरा शेड्यूल मैंने उनको बता दिया था और वो खुद उनके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। मतलब जब मैं जा रहा हूँ घर से, तब मैं कब आऊँगा, कब खाना चाहिए, कब पढ़ाई करूँगा, मैं सब उनको बोला था। तो उस टाइम उन्होंने एकदम टाइम टेबल फॉलो करके मुझे सपोर्ट किया। मेरे पढ़ाई के सेशन में मम्मी कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, बाहर वाले आए थे भी उनको बाहर रखते थे। तो यार बहुत सपोर्ट रहा उनका। तो फिर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं आपके बहुत सपोर्ट किए हैं, तो जब आप जेई एडवांस का रैंक क्रैक किए, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, फैमिली का क्या रिएक्शन था, पेरेंट्स फादर और मदर का क्या रिएक्शन था? उस टाइम मैंने जब क्रैक किया, मैंने पहले देखा, मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा क्रैक हुआ है, अब एक IIT मिलेगी। और जब ये बात मैंने मम्मी को बताई, मम्मी रो पड़ी। पहले तो मुझे गले में लगा के कहने लगी कि तेरी 2 साल की मेहनत आज जाके सफल हुई है। तो याद है, तो जो प्राउड मोमेंट हो गया। यस।
तो जैसे हम देखते हैं सक्सेस उतना इजीली पाया नहीं जा सकता है। तो इस पूरे जर्नी में बच्चे जो हैं वो काफ़ी लो फील करते हैं कभी कभी, क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो फिर व्हाट हैपेंस इज स्कोरिंग जो है वो कभी लो होता है कभी हाई होता है, मतलब कांस्टेंट हम नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ टॉपिक हार्ड होते हैं कुछ टॉपिक वीक होते हैं। तो फिर उस केस में आप क्या करते थे? एक ऐसा भी टाइम आया जो मैं बहुत लो फील कर रहा था, कुछ कॉन्सेप्ट थे बहुत टफ थे तो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो उस टाइम मतलब हेल्प करते अपने मेंटर्स और आपके फ्रेंड्स। तो मेरे मेंटर्स पैसे बहुत अच्छे थे, पहले हर एक पॉइंट पे गाइड करते थे, और दूसरे फ्रेंड्स मतलब अगर कोई डाउट मुझे समझ नहीं आ रहा था तो पहले मैं फ्रेंड से पूछता था, अगर उन्हें भी नहीं आ रहा तो मेरे टीचर्स को पूछता था और वो क्लियर हो जाते थे। और लो टाइम की कहा तो मैं कभी कभी IIT को खुद को इमेजिन करता था, मैं IIT के गेट के सामने खड़ा हूँ, बस एक एग्जाम है जो मुझे अंदर जाने देगी, बस वो इमेजिन करके मैं गया था। How Sandipan is different from others? There are many institutes in India, right? In Ahmednagar also, Ahmednagar district के अंदर we have many institutes. So what is the difference between the other institute and Sandipani? The main difference between Sandipani is that it has a structurized course. मतलब आपको कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे कभी भी, तो आपको एक structurized course दिया जाता है जिसमें आपके टेस्ट होते हैं, cumulative टेस्ट है, मेजर टेस्ट होते हैं और एक अल्टरनेट टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको मतलब रिपोर्ट मिलता है कि आप क्राउड में कहाँ खड़े हो, लाइक तुमको और कितना आगे जाना है, कितने बच्चे तुमसे पहले ही आगे हैं, तो ये सब डेटा सांदीपन ने पहले ही कलेक्ट करके रखता है, तो वो बहुत हेल्प किया मुझे। ओके गुड। तो पढ़ाई के अलावा और आपका क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा मेरा तो फुटबॉल ही है, मतलब फुटबॉल ज़्यादा खेलता हूँ मैं, अब था JEE के टाइम तो बंद था पर अब वापस चालू किया तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ना आजकल मोबाइल एडिक्शन है। सो मेनी स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग द टाइम बाय यूजिंग मोबाइल, सो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? लाइक मोबाइल का ऐसा था कि मैं डे के एंड में मेरा स्क्रीन टाइम देखता था, अगर वो मुझे लग रहा है 2-3 आवर्स के ऊपर ज़्यादा हो रहा है तो मैं मोबाइल को साइड में रख देता था, इससे नहीं पढ़ेंगे बस ऑफलाइन कोचिंग करेंगे खत्म। तो यार उसमें मैं करता था और मेरे पास कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं था, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कुछ नहीं था तो मैं सेफ था थोड़ा। DPP जो श्री सांदीपानी अकेडमी की तरफ से जो DPP दिया जाता है, डेली प्रैक्टिस पेपर जो दिया जाता है, और खासकर जो टेक्स्ट बुक है, क्या उसी को अगर हम केवल करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर अगर ध्यान देते हैं JEE एडवांस तक क्रैक किया जा सकता है? मोर देन सफिशिएंट है, थोड़ा JEE एडवांस के लिए और पढ़ना पड़ेगा, बट JEE मेंस एक अच्छे रैंक के साथ बहुत अच्छे से हो सकता है DPPs, PYQ और NCERT बुक्स। तो जैसे आप JEE एडवांस क्रैक किए हैं तो इसके अलावा JEE मेंस के अलावा है ना जो भी आपके पास DPP है और जो भी कंटेंट है उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या एफर्ट देना पड़ता है बच्चे को? बच्चे को एक्स्ट्रा आता है शॉर्ट नोट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मतलब भूल जाते हैं बनाना, बाद में बना लेंगे, ये बहुत गलत चीज़ है। शॉर्ट नोट्स ये चीज़ होती है जो तुम्हें 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देती है एकदम फास्ट वे में, और अगर तुमने अच्छे से बनाई है उनको PYQ सॉल्व करते करते तो तुम्हारी शॉर्ट नोट्स मतलब लास्ट में तुम्हारे लिए अच्छा मंत्र हो जाएगा JEE मेंस फोड़ने के लिए। ऐसा होता है ना कि 11th जब स्टार्ट होता है किसी बच्चे का, मान लो मई जून में स्टार्ट होता है 11th, तो करीब करीब 6-7 महीना अपना टाइम वेस्ट बहुत कर देता है बच्चा, और 12th में अचानक से जाग उठता है कि मेरे को कुछ करना है, तो फिर इन बच्चों को आप क्या बोलेंगे? मतलब कितना इंपॉर्टेंट है 11th में पढ़ाई करना क्योंकि 12th में बोर्ड्स भी देता है बच्चा। ये मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ था कि मैं 11th में बहुत ज़्यादा फोकस था, मैं आते ही फर्स्ट डे पे 8 आवर्स पढ़ाई करता था, पता नहीं मैंने ये स्टार्ट किया था जब मैं वीडियो देखता था कि JEE क्रैक कैसे होती है, तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे कि लगातार तुम 8 आवर कंसिस्टेंट से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तो मैं यही सोचता था अगर मैं फालतू फ्रेंड के साथ ना पढ़ूँ कुछ ना करूँ और बस इस पर फोकस करूँ मेरा JEE आराम से निकल जाएगा, तो क्या ही है इसमें मैं वैसे ही किया था मैंने एकदम। ओके, सो तेजस जैसा आप अभी IIT पटना में हो तो किस प्रकार का आपका एनवायरमेंट वहाँ पे लग रहा है, और जो बाकी आपके फ्रेंड्स जो नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोजर यू आर गेटिंग ओवर देयर? लाइक वी रियली हैव अ गुड एक्सपोजर, मेरे फ्रेंड्स बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हेल्प करते हैं पेपर्स के टाइम, मतलब बहुत इनोवेटिव ब्रेन है उनके, मतलब कुछ भी नया सोचता है वो IIT जैसे सोचते हैं वैसा, मुझे लगा नहीं था पर या दे आर वेरी गुड, बेटर देन मी ऑफ कोर्स। व्हाट इज योर फ्यूचर गोल? लाइक फ्यूचर गोल तो मेरा स्टार्टअप का है, आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, बट लेट्स सी सरप्राइज। बहुत बहुत शुक्रिया सांदीपानी परिवार की तरफ से, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। नगर न्यूज 24 ला सब्सक्राइब करा।